अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप से यू ऑल आर फाइन। आई एम योर साइंस टीचर मिस सिरम। ओके, आज हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 3। द SLO ऑफ दिस टॉपिक इज़ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन वेव्स ऑफ वाटर एंड वेव्स ऑफ साउंड। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि पानी के अंदर जो लहरें बनती हैं और जो हवा के अंदर लहरें बनती हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कि पानी के अंदर जो लहरें बन रही हैं और जो आवाज़ की लहरें बनती हैं उसमें क्या डिफरेंस है हवा के अंदर। ओके बेटा, अपना पेज नंबर 148 ओपन करें। आज हम रीडिंग करेंगे साथ साथ और फिर साथ ही हम क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक है हमारा वेव्स ऑफ एनर्जी। कर लिया ओपन सबने? ओके, स्टार्ट करते हैं। साउंड वेव्स स्प्रेड आउट फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड रेदर लाइक द वेव्स डेट स्प्रेड आउट वेन यू थ्रो अ स्टोन। वो कह रहे हैं कि अगर कोई बोल रहा है तो वहाँ से आवाज़ की लहरें निकल रही होती हैं, और पानी के अंदर लहरें कैसी बनती हैं? जब हम कोई पत्थर जो है वो पानी के अंदर फेंकते हैं, ठीक है, जब हम पत्थर फेंकेंगे तो हवा के अंदर जो है लहरें बन जाएंगी। बट देयर आर डिफरेंस बिटवीन द वे इन विच वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स ट्रेवल। लेकिन बेटा, हवा के अंदर जो लहरें बनती हैं और जो पानी के अंदर लहरें बनती हैं उन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं कि किस तरह डिफरेंस होता है। व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इनटू वाटर, जब पानी के अंदर कोई पत्थर फेंका जाता है, इट इज़ नॉट द वाटर, ये पानी नहीं होता विच इज़ मूविंग आउट, जो वहाँ से मूव कर रहा होता है फ्रॉम द स्प्लैश, जहाँ पे पत्थर फेंका गया होता है, ठीक है, वो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल्स आर सिंपली बॉबिंग अप एंड डाउन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वहाँ पे पत्थर फेंका गया तो वो ऊपर और नीचे की तरफ जो है वो मूव कर रहे होते हैं। दिस काइंड ऑफ वेव इज़ नोन एज ट्रांसवर्स वेव। इस तरह की जो लहरें होती हैं पानी के अंदर उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। पानी के अंदर जितनी भी लहरें बनती हैं उन तमाम लहरों को हमने नाम दे दिया है कि ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ठीक है, ओके, इसकी हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर हम बॉय जो है एक रबर का एक बैलून होता है, अगर हम उसको पानी में फेंकते हैं तो वो पानी की वेव्स के साथ ऊपर या नीचे मूव करता है। ठीक है, वो उस वेव उस स्टोन के साथ उसके अंदर की तरफ मूव नहीं कर जाता, ये सिर्फ ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता है। ओके, नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं बेटा। When a sound wave travels through the air, जब sound wave जो है, जब आवाज़ की लहरें जो हैं वो travel करती हैं हवा के अंदर, the air molecules vibrate, तो हवा के जो molecules होते हैं वो vibrate करते हैं उसी direction में, जैसे जैसे आवाज़ जो है वो travel कर रही होती है। और आवाज़ की जो लहरें होती हैं उन्हें हम कहते हैं longitudinal wave। या आपने difference पढ़ा कि पानी के अंदर जो waves बनती हैं उन्हें हम transverse waves कहते हैं, और जो हवा के अंदर जो लहरें बनती हैं उन्हें हम जो है longitudinal wave कहते हैं। बेटा, इसकी हम एक example लेते हैं। बेटा, आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा, एक स्प्रिंग है बेटा, ठीक है, हम हवा के अंदर जो है आवाज़ की लहरों को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम इसकी एग्जांपल्स तो रियल लाइफ में देख सकते हैं। जैसे एक स्प्रिंग है बेटा, तो उसको हम हवा के अंदर या उसको हम ओपन करेंगे, आउटस्ट्रेच करेंगे, तो उसके अंदर जो है वो कंप्रेशंस बन जाएंगे और रेयरफैक्शंस बन जाएंगे। ठीक है, जब वो कंप्रेस होगा तो कंप्रेशंस बन जाएंगे, जब वो उसको हम आउटस्ट्रेच करेंगे तो वो खुल जाएगा और उसे हम कहते हैं कि यहाँ पर रेयरफैक्शंस बन गए हैं। तो बेटा, यहाँ पर आपने डिफरेंस पढ़ा है कि पानी की लहरें जो हैं वो हवा की लहरों से किस तरह डिफरेंट होती हैं। ठीक है, जो पानी के अंदर लहरें बनती हैं उनको हम कहते हैं कि ये जो है ये ट्रांसवर्स वेव है, और जो हवा के अंदर लहरें बनती हैं उन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ओके बेटा, इसी से मिलते जुलते हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन करते हैं। कल हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1 और 2, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ साउंड इज़ कैरिड फ्रॉम अ ड्रम टू योर ईयर्स। वो कह रहे हैं कि आप एक्सप्लेन करें कि किस तरह अगर हम एक ड्रम को बीट कर रहे हैं तो वो किस तरह आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है। व्हेन अ ड्रम इज़ बीटन इट वाइब्रेट्स। बेटा, जैसे ड्रम को हम बीट करते हैं, जब उसको मारते हैं उसकी स्टिक के साथ, तो वो उसकी जो स्किन है वो वाइब्रेट करती है। इट काज ए स्मॉल चेंजेस इन द प्रेशर ऑफ साउंडिंग एयर। उसके वाइब्रेशंस की वजह से हवा के अंदर एक तनाव आ जाता है, एक प्रेशर आ जाता है। दीज वेव्स ट्रैवल थ्रू द एयर, ये लहरें जो है हवा में ट्रैवल करती हैं। एंड व्हेन दे रीच योर ईयर्स, जब हमारे ये लहरें हमारे कानों तक पहुंचती हैं, दे मेक आवर ईयर ड्रम वाइब्रेट। तो इसकी वजह से हमारा जो ईयर ड्रम है, कान का पर्दा है, वो भी वाइब्रेट हो जाता है। फिर वो कान के पर्दे से वो जो वाइब्रेशन है वो हमारे दिमाग तक जाती हैं, और दिमाग जो है हमारा इंटरप्रेट करता है कि ये आवाज़ है। ठीक है, समझ आ गई आपको? ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
एक्सप्लेन ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, जब बादल गरजते हैं, वी ऑफन सी अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग बिफोर वी हियर द थंडर. तो हम जो है लाइटिंग हमें बिजली जो है वो चमकती पहले नज़र आती है और आवाज़ बाद में सुनाई देती है. ठीक है बेटा, अब हम इसका आंसर देते हैं. वी ऑफन सी अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, हम बिजली जो है वो पहले देखते हैं, बिफोर वी हियर द थंडर, बादल के गरजने से पहले, उसकी आवाज़ से पहले, क्योंकि लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड, क्योंकि लाइट जो है उसकी स्पीड हवा की निस्बत बहुत ज़्यादा है. ठीक है, आवाज़ की स्पीड कम है इसलिए आवाज़ को आते हुए टाइम लग जाता है, लेकिन लाइटिंग की स्पीड ज़्यादा है आवाज़ से इसलिए वो जल्दी सुनाई दे देती है, दिखाई दे देती है. इन एयर, हवा के अंदर, द स्पीड ऑफ लाइट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, जो लाइट की स्पीड है वो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर वो इतना ट्रैवल करती है. लेकिन जब हम अगर देखें साउंड की स्पीड, तो उसकी बेटा सिर्फ 300 किलोमीटर है. तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमें बिजली पहले दिखाई देती है और आवाज़ जो है वो बाद में आती है. तो आपको दोनों क्वेश्चंस की समझ लग गई है? ओके स्टूडेंट्स, आज आपका होमवर्क है बेटा कि आपने ये क्वेश्चन नंबर 3-4 लर्न करना है, और आपके पेज नंबर 148 पे ये लहरें बनाई गई हैं आवाज़ की और पानी की, और ये आपने ड्रॉ करनी है. आपका पेज नंबर है ये 148. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.